शुरू होते हुए श्रीलंका और बर्मा तक जाता था। आखिर यह कैसे टूट गया और राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, और यह संविधान में इसकी जो चर्चा है 22 भाग में से जो पहला भाग है वो भाग एक है, इसको हम समझते हैं। देखिए, शासन चलाने के लिए, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान, जिसे हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस किताब में 22 लेसन है, इसके लेसन्स को हम भाग कहते हैं। आप कोई किताब पढ़िएगा तो उसमें लेसन आएंगे, तो इसमें 22 भाग हैं और उसमें कुछ टॉपिक बाई टॉपिक लिखे गए हैं। जैसे आपके में तीर दे दे के लिखता है ना टॉपिक, उस टॉपिक्स को बोलते हैं अनुच्छेद। तो टोटल आर्टिकल यानी अनुच्छेद 395 है। अगर आप ABCD की बात नहीं करेंगे तो ABCD करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ABCD को हम कंसिडर नहीं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। अब एक चीज़ होती है आपकी IPC, ताजीरात हिंद दफा 300, ऐसे सुने होंगे आप लोग, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। IPC क्या कहता है कि पुलिस आपको किसी क्राइम के बाद कैसे लतियाएगी, इसकी चर्चा IPC में है। IPC के टॉपिक्स को हम लोग धारा या सेक्शन कहते हैं। पुलिस लतियाने के बाद कोर्ट में भेज देगी। अब जज साहब आपसे मतलब वो सवाल जवाब करेंगे, तो उसकी चर्चा CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसके जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग सेक्शन या धारा कहते हैं। तो इस सब के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये धारा वगैरह होगी। अभी हमें समझना है वो पॉलिटी का भाग वन। 22 भाग में से पहला भाग तो अभी खत्म कर लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये पॉलिटी उतना टफ नहीं है जिन्हें अपना टफ बना दिया गया।